हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 6 यहां पर लेके आया हूं, जो आजीविका चैप्टर से संबंधित है। आज हम लोग टोटल पशुधन एवं पशु जनगणना 2019 पर परिचर्चा करेंगे। उसी संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो गया। इससे पहले मैंने 5 मॉडल प्रश्न पत्र और अपलोड कर चुके। इसके अलावा बहुत उपयोगी आपके वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जहां पर ADEO करके प्ले लिस्ट, उसको दबा के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं देता हूं लिंक, और लास्ट में वीडियो के अंत में भी लिंक देता हूं, जिसको दबा के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठकर आता है, पशु जनगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल गौ महिष वंशी पशुओं की संख्या कितनी है। अर्थात यहां पर गाय और भैंस दोनों की संख्या आपको बताना है कि यहां पर संख्या 2019 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर कितनी है। 299.6 मिलियन, 302.3 मिलियन, 255.4 मिलियन या 168.7 मिलियन, ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 302.3 मिलियन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, 2019 की पशु जनगणना के अनुसार किस पशु की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। घोड़ा एवं टट्टू, ऊंट, सुअर या गधा। सही आंसर ए आएगा, घोड़ा एवं टट्टू। वर्तमान में भारत में कुल पशुओं की संख्या कितनी है। 512.1 मिलियन, 535.8 मिलियन, 640.6 मिलियन या 850.1 मिलियन। सही आंसर बी आएगा, 535.8 मिलियन वर्तमान में 2019 के अनुसार पशुओं की संख्या भारत में है। पशु जनगणना 2012 के तुलना में 2019 में पशु की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 1%, 1.3%, 4.6% या 10.9%। सही आंसर सी आएगा, 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है 2012 से 2019 के बीच। क्वेश्चन आपके सामने है, कुल मवेशियों के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। माने कहां पर पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सही आंसर डी आएगा, पश्चिम बंगाल। मवेशियों के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की संख्या सबसे ज्यादा है। भैंसों की संख्या किस प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। सही आंसर इसका ए आएगा, उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन आपके सामने है, बकरी के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या उड़ीसा। मतलब आपको बताना है बकरी कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा है। सही आंसर सी आएगा, राजस्थान। सही जोड़ा बनाइए, कौन से राज्य में किस पशु की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर सूची दिया हुआ है, पशु और राज्य दिया हुआ है। तो अपन अगर यहां पर देखें तो सुअर सबसे ज्यादा असम में वर्तमान 2019, याद रखेंगे ये जनगणना जो है 2000 वर्तमान मैंने 2019 की पशु जनगणना के आधार पर है। सुअर की जनसंख्या असम में सबसे ज्यादा है। बकरी अभी बताया जा चुका, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। भेड़ की बात किया जाए तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा है। भैंसों की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इस आधार पर ए का 4 आएगा, बी का 3 आएगा, सी का 2 आएगा और डी का 1 आएगा। मतलब 4, 3, 2, 1, मतलब आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना कब लागू किया गया था। 2010-11, 11-12, 2012-13 या 14-15। सही आंसर डी आएगा, 2014-15। 2012 की तुलना में 2019 में किस राज्य में सर्वाधिक पशु संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। सही आंसर ए आएगा, पश्चिम बंगाल में। 2012 की तुलना में 2019 में जो तुलनात्मक अध्ययन करूं तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पशु जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है।
2019 की पशु जनगणना में मवेशियों के क्षेत्र में किस राज्य में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? यहां पर तो वृद्धि दर्ज हुआ, अब ऐसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमी किस राज्य में हुई है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो यहां पर सही आंसर बी आएगा। मवेशियों में जो कमी देखने को मिली है 2019 में, वो आपको उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में काफी संख्या में कमी महसूस हुई है, माने मवेशियों की संख्या में। क्वेश्चन है, 2019 की पशु जनगणना देश की कौन सी पशु जनगणना है? 16वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? सही आंसर डी आएगा, 20वीं पशु जनगणना है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2019 के अनुसार लगभग कितने पशु हैं? 1.59 करोड़, 2.56 करोड़, 1.43 करोड़ या 1.49 करोड़? सही आंसर इसका ए आएगा, 1.59 करोड़। छत्तीसगढ़ में कुल पशुओं में गौ वंश पशुओं की प्रतिशत कितना है? गौ वंश माने गायों की प्रतिशत पूरा, चाहे वो नर हो या मादा। 56.32%, 65.87%, 62.90% या 50.87%? ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 62.90%। छत्तीसगढ़ में कुल मवेशियों में 2012 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? वृद्धि हुई मतलब 2012 से हमको तुलना करना है, 2019 में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया? 1.76, 2.45%, 3.11% या 4.34%? सही आंसर ए आएगा, 1.76% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 2019 की पशु जनगणना में निम्न में से किस पशु की संख्या में कमी दर्ज की गई है? भैंस, भेड़, बकरी या सुअर? सही आंसर ए आएगा, भैंसों की संख्या में इस राज्य में कमी महसूस की गई, कमी आया है, और भी बेतहाशा रूप से करीब 15% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में कुल कुक्कुट की संख्या 2019 के अनुसार कितना है? कुक्कुट में आपका बदक और मुर्गी दोनों शामिल हो जाते हैं। 189.55 लाख, 187.12 लाख, 189.34 लाख या 145.76 लाख? सही आंसर बी आएगा, 187.12 लाख। छत्तीसगढ़ में पशु जनगणना 2019 की अनुसार किस पशु में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है? बकरी, सुअर, भेड़ या गाय? इसमें सही आंसर ए आएगा, बकरियों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन है, किसका दूध क्षय रोग अर्थात टीबी जीवाणु प्रतिरोधी है, मतलब उसमें हमारे फायदेमंद होता है? बकरी, सुअर, भेड़ या गाय? सही आंसर ए आएगा, बकरी का दूध। भेड़ की नवीन नस्लों के अंतर्गत पद्मश्री डॉक्टर जी ए बांडे के प्रयास से निम्न भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल का विकास हुआ है? कश्मीरी, मेरिनो, हिसारडेल, नीलगिरी या साहिवान? सही आंसर ए आएगा, कश्मीरी मेरिनो। निम्न में से बकरी के प्रसिद्ध नस्ल नहीं है, जमुनापुरी एवं बर्बरी, गंजम एवं बंगाल, झालावाड़ी एवं उस्मानाबादी, करनाह एवं भाकरवाल? सही आंसर डी आएगा, करनाल एवं भाकरवाल बकरी की नस्ल नहीं है। विश्व में सर्वाधिक मवेशियों की संख्या कहां पर है? डेनमार्क, भारत, अमेरिका, रूस? सबसे ज्यादा मवेशी भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, जफराबादी, मेहसाणा, मुर्रा व सुरती किसकी प्रजाति है? भैंस, गाय, मुर्गी या बकरी? सही आंसर ए आएगा, भैंस की प्रजाति है। गिर, कंकरेज, हरियाणा एवं अंगोल किसकी प्रजाति है? भैंस, बकरी, गाय या भेड़? सही आंसर सी आएगा, गाय की प्रजाति है। छत्तीसगढ़ में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां पर है? अंजोर, दुर्ग, रायपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर? सही आंसर दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बोलूं तो रायपुर में है। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? जफराबादी, मुर्रा, भदावरी या सुरती? सही आंसर बी आएगा, मुर्रा। मुर्रा जो भैंस है सबसे ज्यादा दूध देती है, जबकि जफराबादी जो भैंस है सबसे अधिक समय तक माने बूढ़े अवस्था तक दूध देती है। क्वेश्चन है,
कौन सी बकरी आकार में सबसे बड़ी होती है? जमुनापारी, मेहसाना, बरबरी या गंजम? सही आंसर इसका आएगा जमुनापारी, जो बहुत बड़ी बड़ी बकरियां होती है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी के नस्ल है जमुनापारी, मेहसाना, बरबरी या गंजम। सही आंसर सी आएगा बरबरी। छत्तीसगढ़ में पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है? अंजोरा दुर्ग, रायपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर? सही आंसर ए आएगा अंजोरा दुर्ग। पशु चिकित्सा महाविद्यालय बोलेगा तो अंजोरा दुर्ग, दुग्ध महाविद्यालय बोलेंगे तो रायपुर। गरीबों का गाय किस पशु को कहा जाता है? भेड़, सुअर, बकरी या गधा? सही आंसर सी आएगा बकरी। आशा करता हूं यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।